नगर के जवाहर वार्ड में रहने वाले वार्डवासी पानी की समस्या लेकर पहले एसडीएम कार्यालय और फिर नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। एसडीएम आरआर पांडे को ज्ञापन सौंपने के बाद वार्डवासी नगर पालिका कार्यालय में अध्यक्ष से मिलने पहुंचे। यहां पर अध्यक्ष उपस्थित नहीं थे, जिसके बाद अध्यक्ष से मिलने की मांग पर अड़ गए और कार्यालय में ही धरना दे दिया। अध्यक्ष जी ने 4.5 साल पहले वादा किया था वार्ड में वार्ड वासियों से कि वहाँ पर नल लगा कर देंगे, पानी की स्थायी व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज तक वो काम नहीं हो पाया, जिस कारण से पूरे जितने भी नागरिक है वार्ड वासी है वो सब अध्यक्ष महोदय से मिलना चाहते हैं और बिना निवेदन करना चाहते हैं कि वहाँ स्थायी पानी की समस्या ना हो। अब आप इस कारण से आपको अध्यक्ष करा रहा हूँ, तो वो एक बैठक में है, आप 4-5 लोग बाद में प्रतिनिधि मंडल के रूप में आके उनसे मिल लीजिएगा। आपका जो ज्ञापन है वो मैं ले लूंगा, वेट कर लेते हैं, नहीं आते वो 5 मिनट में, तो हम लोग जहाँ पर बैठे हैं 5 मिनट वेट कर लेंगे तो नहीं चलते अपन। लगभग 20 मिनटों तक वार्डवासी अध्यक्ष को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान नगरपालिका के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि वे कार्यालय नहीं आए हैं, कहीं और व्यस्त है। तो अध्यक्ष से मिलने वार्डवासी पहले भाजपा की एक बैठक और फिर उनके निवास पर जा पहुंचे। ज्ञापन सौंपने आए जवाहर वार्ड में शिव मंदिर के पास रहने वाले 60 परिवारों ने बताया कि स्थायी पेयजल के लिए उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है। गरीब परिवार है और दैनिक मजदूरी कर अपना पेट पालते हैं। हम जहां रहते हैं वहां पानी की बहुत समस्या है, लेकिन इस समस्या पर न तो शासन ध्यान दे रहा है और न प्रशासन। क्या समस्या है आप लोगों की? आप लोगों की यह समस्या 20 साल हो गए वहाँ पे, तब बस्ती बैठी है पर लेकिन पानी कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, वो क्या है, खेत वाले के कुएं है, वो कुएं जाना पड़ता है कीकर कीकर, वो लोग बोलते हैं हमारे खुद की कुआ है, हम कहाँ से पानी का लेंगे। खेत वाले पानी क्यों, नगर पालिका ने पाइपलाइन नहीं डाली है वहाँ पे? नहीं, कुछ सड़क भी नहीं है और पाइपलाइन नहीं, नल नहीं, कुछ नहीं वहाँ पे। अच्छा, जबकि जवाहर वार्ड में आता है। ज्ञापन सौंपकर वार्डवासियों ने वार्ड में बोर कर स्थायी पेयजल की समस्या का निदान करने की मांग और पाइपलाइन के माध्यम से घरों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करने की मांग की है। वार्डवासी कांग्रेस नेता दुर्गेश उइके के साथ पहुंचे थे। वार्डवासियों में शांताराम ध्रुवे, छत्रु रीता ध्रुवे, विकास सिरसाम, विनोद उइके, अजय चौधरी, शंकर ध्रुवे और अन्य वार्डवासी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने एसडीएम आरआर पांडे के हाथों कर्मचारी संघ के कैलेंडर का विमोचन किया। जानकारी देते हुए चंद्रशेखर इंगले ने बताया कि हर साल संघ अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए शासकीय अवकाश और जरूरी सूचना के आदान प्रदान के उद्देश्य से कैलेंडर प्रकाशित करता है। इसमें अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकारों सहित जरूरी सरकारी कार्यालयों के नंबर भी अंकित होते हैं। इस मौके पर महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष नंदिता ध्रुवे, डीएस बिसेन सहित शिक्षक व कर्मचारीगण उपस्थित थे। बीसीएन न्यूज पांडुरा को अपने टेलीविजन सेट पर देखने के लिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल बीसीएन न्यूज पांडुरा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।